वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर वीडियो होने वाले, मतलब फ्लैश वार्निंग के ऊपर वीडियो होने वाले, तो चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करेंगे जरूर, लेकिन एक नीचे जाके प्यार सा कमेंट कर दीजिए अपने मुताबिक ना ऐसे लो लाइक, मतलब जो भी कुछ अपने मन में है तो नीचे जाके लिख दीजिए, और मुझे गाली देना चाहते हैं कोई तो नीचे जाके लिख दीजिए। ओके, तो फ्लैश वार्निंग के ऊपर वीडियो होने वाला है, तो वीडियो बहुत अच्छा और बहुत खास होने वाला, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए ज्वाइन हो जाइए। ओके, कोई बात नहीं, तो मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी का वैसे मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। फिलहाल हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आ गए, उसके लिए फ्लैश वार्निंग के लिए, तो मतलब ऐसे एडिट करने के लिए तो हमें पहले काइनमास्टर की जरूरत होगा, तो हम काइनमास्टर को पहले ऑन कर लेते हैं। तो हम रील्स के लिए वीडियो बनाएंगे, इसके लिए हम 9:16 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम जिस वीडियो को एडिट करना चाहे उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो को हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद हमें जो पोर्शन चाहिए उसको रखेंगे, और जो इस पोर्शन को हमें नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर देंगे। तो हमें इससे आगे वाला पोर्शन नहीं चाहिए, इसे हम क्लिक करेंगे, सीजन में क्लिक करके पहला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा आगे वाला वीडियो डिलीट हो जाएगा। ओके, पहले वाला सीन की तरह हम पीछे का 20 वीडियो के पीछे के पार्ट भी कट कर देंगे। ओके, तो कट कर दिया, उसके बाद देखिए लेफ्ट कॉर्नर के साथ रुकिए, तो लेफ्ट कॉर्नर में जो शेयर के नीचे है इस ऑप्शन में क्लिक कर ऊपर जो लिखा हुआ है कैप्चर एंड सेव, उसको सेव करके हम वीडियो को मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद हम पिक्सआर्ट ओपन करेंगे, रुकिए थोड़ा, स्क्रीनशॉट को मैंने पिक्सआर्ट में ऐड कर लिया। उसके बाद हम स्टिकर वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो यह हमारा फोटो ऐड होगा, उसके बाद हम स्टिकर वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे ड्रैगन बॉल जी लिख देंगे, मतलब मोबाइल के डाटा ऑन होना चाहिए। ओके, तो देखते रहिए, तो मैं यहाँ से किसी भी एक फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने इस पीएनजी को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम इसे बड़ा कर देंगे, बड़ा करने के बाद हमारे शरीर के साथ एडजस्ट करके उसे यहाँ पे फिट कर देंगे। तो उसको फ्लिप कर लेता हूँ पहले, रुकिए थोड़ा, मैंने फ्लिप कर, मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके लिए मैं फ्लिप कर दूंगा इसको, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फ्लिप करेंगे, करने के बाद उसको ओपेसिटी हम घटा देंगे। हाँ, तो ठीक है, तो इसको ओपेसिटी घटा कर हम इरेज वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इरेज वाले ऑप्शन में क्लिक करके हमारे शरीर के ऊपर जो आ रहा है ऐसे हम उसे उसको इरेज कर देंगे। तो सेम और एक पीएनजी में ऐड करूंगा, उसको भी ऐसे करूंगा, तो यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ, हमें पिक्सआर्ट में जो जो करना था हमने कर लिया, उसके बाद इस फोटो को हम मोबाइल पर सेव कर देंगे और फिर से काइनमास्टर ओपन करेंगे। हमारा काइनमास्टर ऐप ओपन हो गया, उसके बाद उस फोटो को ले आएंगे जिसको हमने पिक्सआर्ट से एडिट किया हुआ है। हाँ, उस फोटो को हमने काइनमास्टर पे ले आया, तो उसके बाद हम उस ऑडियो को ऐड कर देंगे। तो इस वीडियो को मैं ले आया, मैंने ऐसा वीडियो पहले एडिट किया हुआ था, तो उसके बाद हम एक्सेप्ट कर देंगे ऑडियो। हाँ, एक्सेप्ट करने के लिए कुछ ऐसा ऑप्शन है, तो आप लोगों का कुछ ऐसा होगा, मैं वैसे यूज़ करके अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं वैसा ही यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद वाला प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ, इस वीडियो को डिलीट कर देंगे डस्टबिन वाले ऑप्शन में क्लिक करके, तो हमारा वीडियो डिलीट हो गया। ऑडियो है यहाँ पर, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करने के बाद वीडियो को थोड़ा कलर ग्रेड कर लेते हैं, फिल्टर में क्लिक करेंगे, फिल्टर में क्लिक करके ये वाला ऑप्शन में हम कलर ग्रेड कर दिया। ओके, तो कलर ग्रेड करने के बाद हम वीडियो शेयर में क्लिक करके सेव कर देंगे डिफॉल्ट ही। हाँ, तो आपके मतलब 30 FPS रखिएगा या 60 FPS, मतलब जितने FPS पे आपका वीडियो शूट होगा उतना FPS रख के आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। तो उसके बाद हमें इस ऐप की जरूरत होगा विवाकार्ट, इसका लिंक नीचे दिया हुआ होगा, आप जाके डाउन कर सकते। उसके बाद हम क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है, तो प्लस सेकंड में क्लिक करके हम उस वीडियो को ऐड कर लेंगे यहाँ पर। ओके, तो वीडियो को मैंने क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करके ऐड कर देंगे। ओके, तो वीडियो को थोड़ा मूव करके हमें जहाँ तक चाहिए, मतलब जहाँ पर हम इफेक्ट लगाना चाहते हैं वहाँ से हम ले लेंगे, तो एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, तो हमें यहाँ से चाहिए। हाँ, वीडियो के टाइमलाइन में क्लिक करेंगे, उसके बाद स्प्लिट कर देंगे। वीडियो स्प्लिट होने के बाद हमें यहाँ से मतलब उसके बाद वाले पोर्शन में इफेक्ट चाहिए, तो उसके बाद देखिए नीचे VFX करके कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हम पहले तो डाटा ऑन कर लेंगे, क्योंकि इफेक्ट लगाने के लिए हमें डाटा का यूज़ होगा। हाँ, तो डाटा ऑन कर लेंगे, ऑन करने के बाद तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है, बहुत सारे इफेक्ट है, तो आप जी कोई भी एक इफेक्ट को यूज़ करते हैं, उसको इफेक्ट कैसे लगाएंगे, जिस इफेक्ट को आप लगाना चाहते उसके ऊपर होल्ड करके रखेंगे, तो ऐसे ही इफेक्ट लग जाएगा आपके वीडियो के ऊपर। तो बाकी टेक्स्ट का काम है, मुझे लगता है टेक्स्ट का काम हर कोई को आता होगा, तो बाकी का टेक्स्ट का काम कम्प्लीट कर लेता हूँ। वीडियो के ऊपर टेक्स्ट लगा दिया, उसके बाद वीडियो को एक बार प्ले करके हम देखेंगे वीडियो कैसा हुआ है। तो प्ले कर लिया, तो कुछ इस तरीके का वीडियो होगा, तो मैंने साउंड को म्यूट कर दिया, क्योंकि मतलब वही है ना कॉपीराइट का इशू, कोई कॉपीराइट का इशू में नहीं चाहता, इसलिए साउंड को म्यूट कर दिया। यहाँ पे हमारा एडिटिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, तो ऊपर जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम 1080p फुल HD में सेव कर देंगे, उसके बाद ये वाला वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा।
शेप कुछ इस तरीके का होता है। उसके बाद आप इस वीडियो को टिकटॉक जैसा मतलब इंस्टाग्राम रील जैसे किसी भी ऐप के ऊपर यूज कर सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा तो नीचे तक एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है, मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय। I said you better watch what you're doing, cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night. I'm sick of being nothing, all right.